अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज की रेसिपी क्या बन रही है? आज मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स के लिए बन रही है रेसिपी। मैं चिकन 65 बना चुकी हूं, पर आज मैं बना रही हूं उसको गोभी के साथ, कॉलीफ्लावर के साथ। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं नाउ। आपने अपनी गोभी लेनी है, कॉलीफ्लावर, और उसको क्लीन कर लेना है। ये चीजें डिस्कार्ड कर देनी है आपने। आपने इसे इस तरह काट के इनको बस दो दो हिस्सों में कर लेना है, इतने लंबे लंबे को इस तरह करके, इस तरह आपने दो दो हिस्सों में कर लेना है। तो आप देखिए इस साइज के हमने इनको दो दो पीस छोटे बड़े कर लिए हैं। अब हम इन्हें वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ के लिए अब हमने स्टोव पे रखा है प्लेन वाटर। प्लेन वाटर में हम डालेंगे कुछ भी नहीं फिलहाल, और इसमें ढक देंगे ताकि ये बॉयल हो पानी। तो इसके बाद हम इसमें अपनी कॉलीफ्लावर जो है वो बॉयल कर सकें। तो जब तक हम उसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। ये एक बोल जिसमें हम चीज़ें डालेंगे कुछ जो कि मेरे पास हैं। क्वार्टर कप मेरे पास ऑल पर्पज़ फ्लावर है, क्वार्टर कप ही मेरे पास कॉर्नर स्टार्च है, 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर है। तो ये सब हम मिक्स करके इस बोल में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून पेपरिका, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इसको करें मिक्स अच्छी तरह, मिक्स मिक्स मिक्स। 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसे हम प्लेन वाटर के साथ मिक्स करेंगे, लिक्विड ही बना लेंगे थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं आपने करना है कि वो उस पर कॉलीफ्लावर पे कोट ही ना करें। तो आराम आराम से पानी डालें इसमें। तो अभी तो ये थोड़ा गाढ़ा है और थोड़ा सा पतला करें। 2 टेबलस्पून लेमन जूस है, 2 टेबलस्पून सोया सॉस एंड 1 टेबलस्पून चिली सॉस। तो आप इसे अच्छी तरह मिक्स करें। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है और ये कंसिस्टेंसी आपको चाहिए कि ये थिक इनफ है कि आपकी कॉलीफ्लावर के ऊपर स्टिक हो जाएगी। तो चलें वेट करते हैं पानी बॉयल होने का। पानी हो गया बॉयल हमारा, हम 1 टेबलस्पून उसमें सॉल्ट डालेंगे और साथ ही ये जो हमारी गोभी है ये इसमें डालेंगे और इसे 2 मिनट तक ब्लंच करेंगे। 2 मिनट तक कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए, क्योंकि जब हम अपने मैरिनेशन में डिप करें तो वो टूटने ना लगे। सिर्फ 2 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं करना। गोभी को हो गए 2 मिनट बॉयल होते हुए। अब मैं इसे ऑफ कर दूँगी और इसका पानी निकाल दूँगी। पॉट रखेंगे, पॉट में डालेंगे ऑयल क्योंकि हमने इसे करना है फ्राई। सो अब हमने क्या करना है, अपनी ये गोभी आप चाहे तो सारी इसके अंदर डाल दें, चाहे तो थोड़ी थोड़ी करके एक एक दो दो पीस करके डिप करें और इसमें जब तक ऑयल गर्म हो रहा है और उसमें फ्राई करते जाएं। तो मैंने जो सारा वो था गोभी इसके अंदर मिक्स कर ली ताकि अच्छी तरह ये कोट हो जाए और इसके फ्लेवर्स इसमें चले जाए। तो आपने बस इन्हें पकौड़ों की तरह कर लेना है, इनको 1 मिनट तक हिलने ना दें ताकि कोटिंग इसकी जो जाए। और आप ये देखें कि इनका कलर कितना अच्छा सा आ गया, ज़्यादा हिलाएं ना इनको पकने में। मेरे ख्याल ये इसको 3 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मे बी 2-3 मिनट और चाहिए ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। कलर देखें कितना अच्छा खूबसूरत सा है। चलें अब मैं ये सारे फ्राई करके तो फिर वापस आती हूँ।
हमारा लास्ट बैच रेडी हो रहा है। हमने क्या करना है, 2 टेबलस्पून मेयो ली है और इसमें 2 टेबलस्पून ही मैं बफलो सॉस डाल रही हूँ। गोभी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्लेवर है तो आपने इसे ज़रा क्रीमी सी सॉस बना लें, बहुत ज़्यादा क्योंकि इसमें फ्लेवर भी नहीं होना चाहिए, टैंगी सी हो लेकिन वह चले। ये आपकी सॉस होगी रेडी। यहाँ पे हमारी गोभी भी रेडी है लास्ट बैच। इसमें अब हम डालेंगे लास्ट वाले में, मेरे पास यहाँ पे करी पत्ता है हैंडफुल, वो डाल रही हूँ मैं। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं जो कि मैं बारीक बारीक पतली पतली काटी हूँ, वो फ्लेवर एंड कलर। और बस बस इसको मैं निकाल लूँगी अब। जी अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम। आप देखें कि कितनी खूबसूरत लग रही, लग ही नहीं रहा है कि ये वेजिटेबल्स हैं, लग रहा है कि ये ब्रोकली और चिकन विंग्स हैं या चिकन बोटियां हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो उजैर आधी से ज्यादा खा चुका और आप इसको एयर फ्राई में भी कर सकते हैं और बेक भी कर सकते हैं, दोनों तरह ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। लाइक डू वन ट्राई। चलें जी, आप जाके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।